राम, हमारे क्रोध से भयभीत होकर तुम्हारा भाई हमारे चरणों में गिर पड़ा है। तिवारी जी, जो आपके चरणों में पड़ा है ना, वो मेरा भाई लक्ष्मण नहीं बल्कि आपका बेटा तोता है। तो देखिए। अरे मैं तोता। अब बोलो बोलो बोलो। आज हमारा जन्मदिन है, क्या चाहिए आशीर्वाद बताओ जी। एक तो कि हम बहुत बड़े सीए बन जाएं, और दूसरा अरे बेटा, फक्र से अपना सर ऊपर करो और मांगो अपने पिता इस परशुराम से। मांगो बेटा, जो मांगना है आज तुमको ये परशुराम देगा। हाँ। पापा, हाँ। केक काटने की परमिशन मिल जाए तो। अरे बेटा नहीं, हमें धर्म संकट में ना डालो। हाँ, लेकिन आपने आपने वचन दिया कि आप ना नहीं कहेंगे। यार देखो, हमें पर्सनली कोई केक से प्रॉब्लम नहीं है, और भगवान का भोग लगता है ना, और केक में पड़ा होता अंडा ये। हाँ तिवारी जी, अब तो बिना अंडे वाला केक भी आने लगा है। हाँ। अच्छा, काट लेने दीजिए केक। हाँ। हाँ। केक 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 बस बस बस। अरे तुम लोग क्यों भूल रहे हो, ये हमारे पिता स्वर्गीय श्री परमेश्वर तिवारी और आदरणीय श्री बड़बोले ओझा उर्फ फूफा जी, इन दोनों की परंपरा के खिलाफ है तिवारी सदन में केक काटना। लेकिन पापा, पुरानी परंपरा टूटेगी नहीं तो नई परंपरा कैसे बनेगी? सकरोरा मोहल्ले में सबके यहाँ केक आता है, तो फिर तिवारी सदन में केक काटना पहाड़ काटने जैसा क्यों है? क्यों 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 क